बाहर चले। अरे नहीं यार, फिर चेकिंग करो, फिर अंदर आओ, वही बहस, क्या ये दिखाओ वो दिखाओ, क्या ले जा रहे हो। नथ वगैरह पहन के लोग एकदम निकल रहे हैं यहाँ पे। उत्तराखंड को सपोर्ट करो, भू कानून के लिए आवाज उठाओ, मूल निवास के लिए आवाज उठा लो। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वन मोर अनदर ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग में तो मैं था नहीं, और आज के ब्लॉग में आ रखा हूँ, और इसका इंट्रोडक्शन अर्जुन देगा। तो कैसे हैं आप सब लोग, और एक बार फिर से हम आ चुके हैं किदवई नगर मार्केट ग्राउंड में, और यहाँ पे आज गजेंद्र भैया का प्रोग्राम है, और गजेंद्र भैया ने हमें पोस्टर भेजा था कि यहाँ पे आना है तुम्हें जरूर, और हम आए हैं यहाँ पर, और अभी तक तो आए नहीं है, हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ गए। और यहाँ देख रहे हो अभी पब्लिक आई नहीं है, इधर देखो सर, इधर हाँ ये देखो, इधर पब्लिक अभी आई नहीं है, और इधर अभी चल रहा है, मतलब तैयारी चल रही है यहाँ पर, और हमारा मन कर रहा है अभी लदोड़ी भात खाने का, तो अभी ना तेजू भाई लदोड़ी भात खिलाएंगे हमें, तो अभी खाएंगे हम लदोड़ी भात। और लास्ट टाइम जो ब्लॉग में दिखाया था ना, हाँ, जिनके पास हमने खाई थी, जिनके पास, जिन भैया के पास हमने लक्ष्मी नगर में लदोड़ी भात का दिखाया था, आज उनके पास हम लदोड़ी भात खाएंगे यहाँ पर। बाकी मिलते हैं आपको ब्लॉग में, और ब्लॉग में बने रहो यार, थोड़ा देख भी, थोड़ा प्यार भी दिया करो यार वीडियो को, थोड़ा तुम्हें पता यार इतनी जगह घूमे आए तुम्हारे चक्कर में, हम घूमे आए यार, बताओ तुम ऐसा कर रहे हो यार, गद्दारी कर रहे ना, बाहर चले। अरे नहीं यार, फिर चेकिंग करो, फिर अंदर आओ, वही बहस, क्या ये दिखाओ वो दिखाओ, क्या ले जा रहे हो, भाई दिमाग खराब होता है। मेट्रो में क्या हुआ था, मेट्रो में एकदम से लिफ्ट बंद हो गई, और बहस के पुलिस वाला बहस के हमें सुना रहा, हमने भी सुना दिया, दिमाग खराब कर रहा था। चलो आओ बात चलते, थोड़ा अभी तक लदोड़ी बात रेडी हो रहा है, उन्होंने बड़े वाले चलते हैं, बड़े वाले भगोने में डाल रखा है। अरे आंटी जी, लास्ट उत्तराखंड रशन, अच्छा ना उत्तराखंड रशन, वहाँ पे इंदिरापुरम में थे, सिप्रा मॉल के पास, जब प्रीतम बर्धवान जी आए थे, अभी आंटी के पास नहीं आएंगे, पूछेंगे आपने देखा नहीं, देखा सर पूरी वीडियो, और बाहर ही चल रहे हैं यार। अरे अभी चलेंगे देखेंगे, मिठू भात सब खाएंगे, अभी सिंदूर की खीर अभी सब खाएंगे हम, सारा सीज खा लेंगे आज। आयो क्या हो रहा है ये भाई, ढोल दमों के साथ एंट्री हो रही है यहाँ पे सभी लोगों की, देख सकते हैं ढोल दमो वगैरह सारी चीजें यहाँ पर, नाचने का मन हो रहा है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ढोल दमों के साथ पूरी एंट्री हो रही है सभी लोगों की जितने भी हैं। अरे हमारे यहाँ वो जो झंडा होता है ना रक्षा के लिए, उसको बोला जाता है, और धीरे धीरे यहाँ पर देखिए नथ वगैरह पहन के लोग एकदम निकल रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, मतलब उत्तराखंड के वेशभूषाओं में निकल रहे हैं लोग यहाँ पर, आप देख सकते हैं आज मजा ही आने वाला है। मेन मेन चीज ढोल दमो, ये हमारे उत्तराखंड की खासियत ढोल दमो। तो लदोड़ी भात रेडी हो चुका है, तो हम चल रहे हैं लदोड़ी भात खाने, आओ मजा आएगा आज तो लदोड़ी भात खाने में बहुत ज्यादा। बताइए लदोड़ी बनती किससे, वो बनती होगी किसी से, बस खाने में मुंह में पानी आ रहा है, चिकन कुत्ते की दे दो देखो खाने के लिए, वो खा लेगा तो। अरे वो बनती है ना उसकी, वो बकरे बकरा होता है, वो बकरे की। और जुड़ चुका है सुबोध, और ये हमारे एरिया में रहता है लाजपत नगर में, और इसके यहाँ ताऊ जी रहते ना, तो क्या मतलब प्रोग्राम कैसा हो रहा है, मतलब क्या उस पर हो रहा है? ये हमारा खारडी विकास मंदिर है, यहाँ पे खारडी दीवा मंदिर है, तो उसके उस पर्पज में किया जा रहा है ये प्रोग्राम। ये हर साल होंद गया ये, हाँ हर साल हूं छींच, ये पूजा पाठ हूं छींच हर साल हमारे यहाँ का, अच्छा। खारडी विकास मंदिर, एक मंदिर चिकमा आसपास, जी मंदिर चाहिए खारडी विकास मंदिर चाहिए कहूँगा दीवा मंदिर है। अच्छा, तो ये सुबोध भाई हमारे दोस्त है, यू भी पहाड़ी चे, और साथ के साथ जो ना यूंग मंदिर है वो चूंगो, तो वे उपलक्ष्य में हर साल जो ना ये पूजी को बन जा, और ये मतलब मनाया जाओ दिखा, ठीक है ना। बहुत अच्छी लगती है कि यार अपना उत्तराखंड जो ना अब देश विदेश में फैल रहा है हर जगह, मतलब हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के हिसाब से। अब ये देखो ये इनका गांव का एरिया का मैंने बताया था आपको, गांव के यहाँ हर जगह से आ रखे थे, और दूसरी चीज सबसे बेस्ट चीज पता क्या होती है कि यार उत्तराखंड वाले ना अब हर जगह अपने फंक्शन करवा रहे, अपने मतलब संस्कृति को उजागर कर रहे, ये चीज सबसे अच्छी लगी मुझे कि धीरे धीरे संस्कृति फैल रही है। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, जो कि यहाँ पे अभी मंदिर है, तो कमांडो भाई ने बताया आपको मंदिर है, मंदिर घुमा के ले जा रहे हो हमें, आइए उनके चाचा जी है साथ में, और इस तरफ है मंदिर, आइए धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे को।
ये देखिए सामने मंदिर है, उसके बगल में बद्री नारायण जी, बगल में बद्री नारायण जी का मंदिर है। ये मंदिर हमारा किदवई नगर में, कहाँ पर है? किदवई नगर आईने। और वैसा ये मंदिर, वैसे ये मंदिर कहाँ पर प्रसिद्ध है ये बता दो। ये हमारे बिरुखाल ब्लॉक की है मंदिर, दीवा मंदिर है, खाड़ली दीवा मंदिर। अच्छा, जो ये देखे सुबोध भाई बाइक लेके चले गए चाचा के पास, वहाँ बैग रखने जा रहे हैं। और ये मंदिर जो पता हूँ, मंदिर बहुत अच्छा बना रखा था। ये कोठिला के, कोठिला है, कोठिला गाँव, उसके ऊपर से नीचे उसके ऊपर इसका मंदिर स्थित है। वैसे जो वहाँ का उत्तराखंड में जो रियल मंदिर स्थित है तो वो वहाँ पर है, तो उसी के तरह ये वाला मंदिर बनाया गया है यहाँ पर, बहुत अच्छा था। और अभी हम धीरे धीरे दोबारा जा रहे हैं उसी साइड जिधर कौतिक हो रहा है, वहाँ से मान लो मिनिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर किदवई नगर में। तो कभी आना, दर्शन करना यहाँ पे आके, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे हमने आपसे बातचीत करी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप युवा हो, उत्तराखंड के हो, तो उत्तराखंड के जो करंट ज्वलंत जो विषय है उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी है, जैसे भू कानून के बारे में क्या आप कहना चाहोगे? देखिए, भू कानून के बारे में मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, और ये सारे लोगों को ये भी पता होगा, जो भी जितने भी हमारे हिमालय प्रदेश है उन सब में भू कानून एक तरफ से लागू है, कि मतलब अगर जो वहाँ के लोग ही वहीं आपस में लेन देन कर सकते हैं, एक दूसरे को जमीन लेना देना कर सकते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में क्या सीन था कि पहले मतलब 250 वर्ग के हिसाब से जमीन बाहर का बंदा आके खरीद सकता था, बट अभी क्या उस चीज में उनको फ्रीडम मिल चुकी है, वो कितनी भी जमीन परचेज कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा, हमारी जो उत्तराखंड की कृषि भूमि है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, कृषि भूमि बहुत ज्यादा मतलब बिक्री है, कृषि भूमि में बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, खेती बाड़ी बहुत कम हो चुकी है उत्तराखंड में। और उसी चीज को लेके पूरे प्रदेश में उसी के लिए मतलब हल्ला चल रहा है कि आपने जो पहला कर रखा था, या तो आप वो 250 वर्ग के हिसाब का ही रूल ले आओ, या तो आप एक तरफ से जैसे अन्य प्रदेशों में कि भाई तुम्हें किसी को बाहर के बंदे को जमीन देनी नहीं है, सेम या तो वही सिस्टम अपने प्रदेश में लागू कर दो। इसके अलावा कोई और अन्य मांग नहीं है उत्तराखंड की, वही मांग रहे हैं कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी है वही अपनी जमीन खरीदे, अपनी जमीन एक दूसरे को बेचे, और कुछ नहीं चाहिए हमें उत्तराखंड को। और आप सबसे भी यही मांग है कि आप भैया के ब्लॉग के माध्यम से जितने भी बंदे देख रहे हो उत्तराखंड के बंदे, सबके सब इस चीज को नोट कर लें कि उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास लाना बहुत जरूरी है, और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम भी जैसे बाहर आके बस रहे ना, आने वाली पीढ़ी मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में रह पाएगी, बाहर के आगे लोग ही वहाँ बसे रहेंगे और उसके अंडर में भी तुम काम भी नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें भगाएंगे वहाँ से, यही होगा। और अभी रिसेंटली में आपने हल्द्वानी का सीन देख लिया होगा, उत्तराखंड में इतनी जगह अपना प्रोटेस्ट करा, पर कहीं किसी ने ये न्यूज नहीं सुनी होगी किसी पुलिस वाले के साथ या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ दंगा फसाद किया, पर हल्द्वानी में बाहर से आके बस के रह रहे हैं, उल्टा अवैध कब्जा कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी वो क्या कर रहे हैं कि पुलिस वालों को भी मार रहे हैं, वहाँ के लोगों को पत्थर मार रहे हैं उल्टा, और हमें ही दोष दे रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने कुछ करा, तुमने हमारी जमीन क्यों छीनी। तो ये बहुत गलत हो रहा है, उत्तराखंड को सपोर्ट करो, भू कानून के लिए आवाज उठाओ, मूल निवास के लिए आवाज उठा लो, हमारा ही फायदा होगा आने वाली पीढ़ी के लिए, बाकी कुछ नहीं है। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। मटपाल जी, तो भाई से बात करते हैं, भाई ने ना गानों में भी काम कर रखा है, रड़वाली गानों में, तो भाई से जानते हैं, भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा संस्कृति देख के कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, उत्तराखंड के जितने भी व्यंजन है सब अच्छे लग रहे हैं, बाकी पिछौर हो गए, नथ हो गए, नथुनी, सब कुछ मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई आपने कौन से गाने में किया था, एक बार गाने का नाम बताओगे? वैलेंटाइन डे, जो कि इंदिरा राजे जी के चैनल से, वहाँ से आप जाके सुन सकते हैं। और एक है जींस वाली छोरी, लाइन सुना दो अपने गाने की, कोई वैलेंटाइन डे वाले की। मेरे रवीना वैलेंटाइन दिन से पर खुश कर लो, हाय सोनिया एक दिन तेरा मांग मैं सिंदूर भर लो, तेरा हाथ थाम लो तेरे संग ले चलो, तेरा हाथ थाम लो तेरे संग ले चलो। भाई वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो जितने भी गढ़वाली भाई है ना, इसी गाने को करके प्रपोज कर दो। आपको मतलब आपसे भाई से ना कई बार मुलाकात हो चुकी है हमारी, कई कौतिकों में, इंदिरा फॉर्म से लेकर लक्ष्मी नगर हर जगह, और भाई आते हमारे साथ खूब डांस वगैरह करते हैं, तो आज भी डांस वगैरह अपन आज फुल रहेगा। गजेंद्र राणा जी, गजेंद्र राणा जी वो आ रहे हैं अभी रस्ते में, उन्हीं का वेट चल रहा है, बस उनका वेट चल रहा है। भाई एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, भू कानून के बारे में क्या बोलोगे? आप भी रैली वगैरह में दिख जाते हो, भाई भी दिखते हैं हमारे साथ, आप क्या
बोलना चाहोगे उसके बारे में? मैं कह रहा हूँ 1950 से जो लागू हो रखा है उसको जरूर से जरूर सपोर्ट करें, और जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, युवा हो चाहे दूसरे को, चाहे कोई भी, मतलब सभी सब सपोर्ट करें, कोई भी इग्नोर ना करें ज़्यादा। मतलब ये देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड के लोग हैं अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, ये ज़्यादातर सोचने वाली बात है। तो इस पे करना चाहिए, जल्दी से जल्दी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को एक्शन लेना, सरकार बहुत चुप है चीज़ में, सरकार को इस चीज़ से जाए धामी जीत।